आज मैं मूंग दाल की पापड़ी बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। इसे आप सालसा या फिर मेयोनेज सॉस में डिप करके भी खा सकते हैं। और बनाना भी बहुत ही आसान है, तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हाफ कप लगभग 125 ग्राम मूंग दाल लेंगे। मूंग दाल को 2 बार पानी से धोकर इसे 2 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देना है। 2 घंटा सोख होने के बाद इसका पानी निकाल दें और इसमें सिर्फ आधा कप के करीब ही पानी रहने देना है। इसमें 4 हरी मिर्च डालकर इसका पेस्ट बना लें। इसका पेस्ट बना लेने के बाद इसे साइड में रख दें। इसमें 1 कप लगभग 250 ग्राम गेहूं का आटा लें। इसमें आधा कप लगभग 125 ग्राम मक्के का आटा ऐड करें। साथ में आधा कप लगभग 125 ग्राम कॉर्नफ्लोर भी लेंगे। उसके बाद तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग पाउडर ऐड करें। साथ में आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1/3 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक और साथ में 1/4 कप गर्म ऑयल ऐड करें। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ऑयल डालने के बाद जो गुठलियाँ पड़ जाती है उसे अच्छी तरह से निकाल देंगे। उसके बाद इसमें मूंग दाल वाला पेस्ट को ऐड करें। साथ में इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करें। इसका अब आटा गूंथ लेंगे। इसका आटा रोटी के आटे के जैसा ही गूंथना है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आटा थोड़ा सा गीला हो गया है, तो आप यहाँ पर गेहूं का आटा ऐड करें। इसमें आधा कप के लगभग और गेहूं का आटा ऐड करेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से गूंथ लें। जब आटा गूंथ के हो जाएगा, तब इसे रोटी के साइज में इसे डिवाइड कर लें। अब एक-एक पार्ट को भी 2 बार में डिवाइड कर लें और एक पार्ट को इस तरीके से लेकर इसे गोल बेल लें। गोल बेल लेने के बाद इसमें थोड़ा सा कट लगा देना है। कट लगाने से ये ऑयल में जाने के बाद फूलेगा नहीं। उसके बाद इसे इस शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे सेपरेट कर ले। अब एक कढ़ाई में फ्राई करने के लिए ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा पोर्शन इसमें डालकर देखिए, अगर फ्लोट हो रहा है तो इसमें सारे पीसेस को ऐड कर दें। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे उलट पुलट करते हुए इसे फ्राई कर लेना है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे निकाल लें। ये खाने में नाचोस के जैसा भी लगता है, तो आप इसे मेयोनेज सॉस और सालसा के साथ भी खा सकते हैं।
इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बाकी बचे हुए डो को ऐसे ही बेलकर कट करके फ्राई कर लेंगे। अभी हमारे सारे पापड़ी बन गए हैं। ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप स्टोर कर सकते हैं। इसे एक बार तोड़कर देखेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है तो इसके ऊपर चाट मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करें। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। अगर ट्राई करने के बाद आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।